हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अभी मैं एक व्यू लेके आया हूँ टाटा स्टील पे। थोड़ा सा मार्केट अप डाउन चल रहा है और ये अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट के लेवल के आसपास खड़ा है। 500 का लेवल जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट इसको मिलता है और यहाँ से ये जंप लेता है। ऑलरेडी आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली 755 से फॉल डाउन हो रहा है, गिरते हुए आ रहा है और अभी एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे है ये, अपना 500 के सपोर्ट लेवल पे है। इनफैक्ट ट्रेंड जो देखे हैं, अगर मैं लीड सेक्टर में मेटल सेक्टर में देखे तो नेगेटिव ही है। अभी भी उन्होंने नेगेटिव साउंड से दिया है, तो अगर किसी को पोजीशन बनानी हो, अगर मैं ऐसा बताता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए 10,000 लगाना है आपके पास, या आप 100 रुपया लगाना है, तो आप 20 रुपया भी लगा सकते हैं। और 100 रुपया अगर केवल टाटा स्टील में लगाना है, तो आपको अभी 20 रुपया आप टाटा स्टील पर लगाइए और बाकी 20 रुपये इसके फॉल पे अराउंड, जब वो आप यहाँ से फॉल करता है 500 के आसपास जाता है, तो 20 से 25 रुपये वहाँ लगाइए। तो अभी ऐसा कोई बहुत टर्न अराउंड तो होगा नहीं इसमें, अभी ऐसा दिखता नहीं है जब तक ये 600 को क्रॉस नहीं करता है, 580 को क्रॉस नहीं करता है। तो मुझे एक बार इसमें बेरिश ट्रेंड लग दिखता है, उसका एक कारण है मैं लीड पे इसका लीड पे चेक कर रहा था लीड पे क्या है। तो आप देखेंगे लीड पे जहाँ कार्वी ने बाई का दिया है, बाई का रेंज क्या दिया है, उसने स्टॉप लॉस 132 का दिया है और 132 से टारगेट से इन्होंने बाई दिया है। वहीं आप रेलिगेयर देखेंगे तो सेल का रिकमेंडेशन दिया है, इसको स्टॉप लॉस 138 का दिया है, 134 मीन्स। आप देखेंगे तो ये जो 136 पर भी ट्रेंड कर रहा है, 136 के आसपास चल रहा है ये, और उसी 137.05। तो अब यहाँ से कार्वी ने बोला है इसको सेल करने के लिए, बाय करने के लिए विथ 132 के स्टॉप लॉस के लिए, और रेलिगेयर ने 138, यहाँ से 1 रुपया ऊपर, ये डॉलर में होता पर केजी है, तो मेट्रिक टन में चाहिए तो आपको वैसे 1,000 से मल्टीप्लाई करके 70 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो आपको US क्रूड का रेट आपको मिल जाएगा। तो उसमें मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी चार्ट देख करके मुझे लग रहा था, ये देखिए अगर मैं इसका लाइन ब्रेक चार्ट देख रहा हूँ ना, तो ये कंटिन्यूस फॉल दिखा रहा था और कंटिन्यूस ब्रेक दिखा करके यहाँ पे एक तो अप लिया है और इसने 2 दिन के अप को क्रॉस किया है। तो ये तो था ब्रेंट इसका लीड का था, सॉरी लीड का जब मैं देख रहा था तो लीड में ये दिखा रहा था, ये 2 कंटिन्यूस डाल के 1954 1899 का दिखा रहा था और इसको ये कंटिन्यू इसको करते हुए, इसको दोनों को कवर करते हुए अपसाइड लिया, बट ये कंटिन्यूस फॉल का ट्रेंड चल रहा था। तो ये जब तक ये 2,000 के लेवल को नहीं क्रॉस करता, तब तक मैं इसमें एटलीस्ट लीड के फ्यूचर में बिलीव नहीं करता। इसको यहाँ का एक बार इसको ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा जहाँ से ये बराबर फेल डाउन कर रहा है, और एटलीस्ट इसके डेमा को देखें, अगर लीड के फ्यूचर लीड के डेमा को देखें तो इसके 2012 का इसका जो है वो 9 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है, इसको ये एक बार तो क्रॉस करना चाहिए, तब फिर मैं यहाँ बाइंग के लिए सोच सकता हूँ। उसी तरह मैं जब टाटा स्टील पे गया तो टाटा स्टील पे भी मुझे क्या दिखा, जब मैं ब्रेकिंग लाइन ब्रेक चार्ट देख रहा था, ये कंटिन्यूस लोअर लो को बनाए फॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है ये जो आपका लो यहाँ बनाया था 503 का, ये एक बार इसको टेस्ट करेगा और यहां से अप अगर इसको लेना होगा तो ये यहां से अप ले सकता है। तो अगर मैं आपको देखूं तो प्रीवियसली भी ये 530 को तो तोड़ दिया इसने जहां से ये अप लेता था, और अब ये नीचे यहां से एक बार फॉल किया था, तो इसका ये भी आप जान लीजिए कि इसका 500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, अगर सपोर्ट है, अगर 500 तोड़ता है तो फिर अच्छे खासे डाउन को दिखा सकता ही है। 500 का लेवल नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा तो 450 भी दिखा देगा, 426 के आसपास आ रहा है। तो टाटा स्टील में अभी अगर बाई करना हो तो कॉशियसली बाई करें, हड़बड़ी मत दिखाएं, 500 का लेवल ये एक बार तो दिखाएगा। और यहाँ पे भी देखिए तो एक गैप अप बना हुआ है, तो
इसको ये जब यहाँ से 529 क्रॉस किया है तो एक बार ये लेवल भी टच करेगा, मतलब 525 का है ये लेवल, तो टच करने नीचे जाना ही है। डेली चार्ट पे इसको मैं देख रहा था, 30 मिनट्स के चार्ट पे देख रहा था, और अगर मैं इसके डेली के चार्ट को देखूँ, डेली के चार्ट को देखता हूँ, तो ये यहाँ पे जो आ रहा है 497, 497 500 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से ये अपसाइड वापस आपको दिखा सकता है। तो 500 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां से ये बाउंस करेगा और 545 और 580 भी दिखा सकता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली क्या इसने दिखाया, क्लोजिंग जो दिया है, जो 30 नवंबर की क्लोजिंग दी है इसने, यहाँ पे आप देखें तो 529 का क्लोजिंग दिया है, ओपन हुआ था 533, प्रीवियस क्लोज था, ओपन के अपसाइड ओपन लिया और फिर वहां से लो 525 का बनाया और 536 का है बना के वापस लो साइड में क्लोजिंग दिया। तो मुझे अभी भी इसमें बाइंग तो सेंटीमेंट है, क्योंकि 755 से गिन रहा है तो हर कंटिन्यू ये गिर फॉल हो रहा है। तो अभी 11 तारीख के इलेक्शन तक मुझे नहीं लग रहा, जब 11 तारीख का रिजल्ट आएगा उसके बाद इसमें कोई बूम देखने को मिल सकता है आपको। तो मुझे लगता है कि एक बार ये नीचे की ओर दिखाएगा और फिर एक बार अपसाइड लेगा। तो अगर, और इनफैक्ट ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज को भी देखें, ये भी निगेटिव सेंटीमेंट ही बता रहा है। तो किसी को भी अगर बाई करनी हो तो 500 के स्टॉप लॉस से जरूर बाई करें, इसको 500 का स्टॉप लॉस लगा। यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो 530 का होना चाहिए और ये 529 पे क्लोजिंग दिया है, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज से लोअर साइड में जाकर के क्लोज दिया है। हो सकता है ये अपने लो को वापस टेस्ट करे, जो कि यहाँ से भी मुझे ब्रेंट के ऑयल से, तो चलो यहाँ अगर मैं लीड से लेता हूँ तो लीड तो थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, बट अगर इस चार्ट को देखने जाऊँ मैं, तो ये कंटिन्यूस लोअर लो फॉर्म कर रहा है। तो जब तक ये अपर लो का फॉर्मेशन नहीं दिखाता है तब तक मैं एटलीस्ट इस पे बुलिश नहीं हूँ। अगर मैं सुपर ट्रेंड में देखूँ तो निगेटिव सेंटिमेंट ही है, और मैं अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखो ये भी डाउन साइड ही चल रहा है। अगर एमएससीडी देखूं मैं इसका, एमएससीडी भी नीचे की ओर ही दिखा रहा है। तो क्वांटिटी चैनल भी देख लेते हैं इसका, ये यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये थोड़ा एक लेवल को, क्रुशियल लेवल को तोड़ते हुए नीचे की ओर जा रहा है, निगेटिव एरिया में इन कर रहा है। अब देखिए निगेटिव एरिया में इन कर रहा है, माइनस में क्रॉस कर रहा है ये यहाँ पे जो लेवल है -105 में जा रहा है। तो अच्छे खासे इस लेवल को तोड़ा है इसने और एक निगेटिव जोन में जा रहा है, माइनस ऑलरेडी 100 पे जा रहा है, माइनस में ही चल रहा है। तो हो सकता है कि एक इसमें वीकनेस आपको देखने को मिली। चलिए अब इसको एक बार मैं डेरिवेटिव से भी देखना चाहूँ, तो डेरिवेटिव से मुझे और कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लोग जो है इसमें बाइंग पोजीशन देख रहे हैं, अगर 25,000 का पुट है तो 50 लाख का, 56 लाख का कॉल है, कॉल साइड में ज़्यादा पोजीशन बन रही है। बट देखिए तो 600 रुपया से ये ऊपर, 600 पे इसका सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है और 2,13,000 की बाइंग हुई है, और 550 और 560 के कॉल पे बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। सबसे ज़्यादा 560 के कॉल पे 1,61,000 का बाइंग हुआ, जो कि 10 रुपया पे है। और अगर मैं इधर देखूं सपोर्ट इसका जो है, तो सपोर्ट आप देखेंगे 1,65,000 का 480 पे, और 4,55,000 का जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट की हो रहा है 4,55,000, वो 500 पे है। तो ऐसा दिखता है कि ये 500 तो नहीं तोड़ेगा बट ऊपर की ओर 600 भी नहीं तोड़ेगा। तो टाटा स्टील आपको 500 से 600 के रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये 500 की ओर आपको मिले, और आज जैसे कि आपको 500 पे सबसे ज्यादा पोजिशन बन रही है 560 पे, जिसकी वैल्यू 10 रुपया है, तो अगर ये देखेंगे, अगर इसको मैं देखने जाऊँ तो 9 रुपया 45 पैसे पे भी बनाया था और इसका लॉट साइज है 1061। तो अगर ये आपको 6 से 7 रुपया में मिलता है, अगर ये आपको 560 का कॉल अगर 6 से रुपया के आसपास मिलता है, तो आपको यहाँ पे बाइंग बनानी चाहिए 6 से 7 रुपये के आसपास, और यहाँ पे कॉल पोजीशन पे खड़ा रहना चाहिए। अभी नौ, अभी क्या चल रहा है, 10-10 चल रहा है, मैं आपको 6 रुपया बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये और नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो आपकी इसकी वैल्यू डाउन होगी। तो वहाँ पे आपको जब ये नियरेस्ट टू 510 जाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको, और ये जो 560 है, 560 का 10 है,
और अभी एट द मनी 528 है, तो 530 का देखेंगे तो 22 रुपया है। तो जब ये 510 की ओर जाएगा तो 10 रुपये के आसपास यहाँ पे फॉल दिखेगा आपको, 8-9 रुपये का फॉल दिखेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी 10 रुपये में आपको 5 रुपये का फॉल दिखे, 6 रुपये का फॉल दिखे। तो आप एक बार पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं 560 के कॉल को, अगर आपको 5 से 6 रुपये के रेंज में मिलता है तो। अदरवाइज अगर किसी को लॉन्ग टर्म पोजिशनल बाइंग होनी है, मैं ये क्लियर ट्रेडर के लिए बता रहा था, अगर किसी को लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है तो ये बेस्ट लेवल है 500 के आसपास इसको बाय करने का। आप 500 से बाय कीजिए, इनफैक्ट ये अगर नीचे जाता है 450 की ओर भी जाता है तो आपको अच्छा खासा इसमें एवरेज करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और कमिंग डेज में जब क्रूड और नीचे गिर रहा है, इसकी कॉस्टिंग में अच्छा खासा जब रेट बढ़ेगा, एक बार लीड का रेट बढ़ेगा तो रॉ मेटेरियल का कॉस्ट इसका कम हो जाएगा, लीड का रेस्ट ऊपर चला जाएगा, चूंकि अभी लीड का भी गिर रहा है और सेल रिकमेंडेशन में यहाँ पे खड़े हैं 138 के स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ से लगता है कि इनको 1 रुपया भी ऊपर नहीं जा सकता है, ऐसा इनको फील हो रहा है, तो वहाँ पे एक तकलीफ है। बट अगर लीड फ्यूचर का देखें हम, फ्यूचर जो अमेरिका का अगर देखें, जो US का मार्केट है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव लाइन ब्रेक चार्ट देख रहा हूँ मैं, तो वहाँ से आप एक पॉजिटिव यहाँ पे मेरे को देख रहा है, और ये अगर यहाँ से 2000 के लेवल को क्रॉस करता है तो आपको ये वापस अप साइड में पहला आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है 2125, और 2125 के बाद आपको दूसरा टारगेट सीधा 2243 का भी देखने को मिल सकता है। ये दो टारगेट आपको लीड फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो अगर ये ट्रेंड जब चलेगा तो उस समय आपको टाटा स्टील आपको 650 और 700 भी आपको देखने को मिल सकता है। पहले 580 दिखेगा, फिर 650 और फिर 700। तो टाटा स्टील में अगर किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग पोजीशन में अगर किसी को कॉल बनाना है तो वो बना सकते हैं कॉल, 560 का कॉल लीजिए, या आपको और नीचे का लेना है अगर ये 500 की ओर जा रहा है तो 530 का कॉल आप लीजिए, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे 20 रुपये पे मिल रहा है। और आप यहाँ पे देखिए बाइंग 164 है, और यहाँ पे अगर मैं आपको 560 का कॉल दिखाता हूँ, एक मिनट 560 का दिखाता हूँ आपको, समझिए यहाँ पे क्या पोजीशन बनी है 560 पे, 560 पे क्या पोजीशन था वो देखिए, बाइंग 18 लाख का है और 20 लाख का सेलिंग है, मीन्स इस लॉट पे भी सेलिंग पोजीशन ज़्यादा बन रही है। वही अगर मैं आपको 540 पे जाऊँ, 540 के स्ट्राइक प्राइस पे टाटा स्टील के जाऊँ, ये कॉल पे मैं बात कर रहा हूँ, तो 18 लाख का बाइंग है, 24 लाख का सेलिंग है, मीन्स सेलिंग परसेंटेज जो है ज़्यादा है, सेल ज़्यादा करके लोग डाउन ऑर्डर देख रहे हैं रेदर देन अपवर्ड देख रहे हैं। तो अगर आपको 530 का 10 रुपये से 11 रुपये या 12 रुपये तक भी मिलता है, 530 का जो कि अभी चल रहा है लो 20 रुपया, यहाँ से अगर 12 रुपया आपको देखने को मिलता है, 12 से 14 रुपये के रेंज में देखने को मिलता है मेरे अंदाज से, तो 12 रुपया बेस्ट लेवल है, तो आपको बाई करना चाहिए। लेकिन अगर वो 15 तारीख के पहले मिलता है तो 15 के बाद इसमें पोजीशन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, नियरेस्ट आप इलेक्शन के टाइम में ही कोशिश करना जब 11 तारीख के रिजल्ट होगा, और आपको सिर्फ इसमें 6 से 7 दिन रहना है। 11 को अगर आप बाय करते हैं तो किसी भी हालत में आपको 15 ऑनवर्ड्स उस मंथ के स्ट्राइक प्राइस पे काम नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का भी कॉल लेते हैं तो आपको सिर्फ जो मिलता है पीरियड, जो बेस्ट बाइंग पीरियड होती है कॉल ऑप्शन में और सेलिंग ऑप्शन होती है, वो 5 तारीख से 15 तारीख का होता है। आपको 5 के आसपास बाई करना चाहिए और 15 के पहले आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर इससे आप ज़्यादा ऊपर रहते हैं तो आपको दोनों तरह से लॉस होता है। 5 से पहले इसलिए नहीं लेने का कि वो बेबी स्टेज में होता है और बेबी स्टेज में उसकी कॉस्टिंग उसको नहीं मालूम होती, अनाधून कॉस्ट होता है। जब वो यंग एज में आता है, जिसको 5 से 15 बोला जाता है, तो उसको मैच्योरिटी होती है, उसको नॉलेज होता है और वो अपने रेट को सही देता है। उसके बाद जो होता है 15 के बाद वो ओल्ड एज में चला जाता है और वहाँ जो मिलता है सो लेता है। तो इसको अगर इस तरह से समझे आप, तो हमको यंग एज में ही लेना है जो कि 5 से 15 है, उसके ना आगे ना पीछे। आगे लेने से उसको उसका रेट हो सकता है कि उसका रेट जेन्युइन उस बच्चे का, क्योंकि उसको उसका रेट नहीं मालूम है, हो सकता है रेट बहुत अनाप शनाप हो तो आप फंस जाएंगे। तो 5 से 15 के बीच में आप इसको ट्राई करें, और अगर मिलता है, देखिए अगर टाटा स्टील का रेट 500 के राउंड आपको मिलता है, 501 505,
ये भी हो सकता है कि वो 500 को तोड़ करके वापस 450 की ओर चला जाए। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है इसमें। अगर वो 500 के अराउंड आप देखिए वो थोड़ा स्टक कर रहा है, अब 500 तोड़ना इतना ईजी भी नहीं है। आपको दिखा दिया डेरिवेटिव में 500 में अच्छा खासा 451,000 का सपोर्ट है, तो 500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 500 के नियरेस्ट में आप टाटा स्टील के पोजीशन को बाई कर सकते हैं। अगर आपको 530 का स्ट्राइक प्राइस 12 रुपये के आसपास मिलता है, तो 12 रुपया कोई लक्ष्मण की लकीर नहीं है, आपको लगता है 1,000 का लॉट होता है, 12,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 12,000 का अगर 6,000 भी आ जाए, 50% आ जाए, तो आप बियर कर सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इसमें करें। अभी लीड में गिरावट देखने को मिलेगा, और मैं किसी भी लेवल पे देखूं तो सेलर ज़्यादा है बायर कम है। इसका मतलब है सेलर मतलब ज़्यादा रेट को गिराने वाले हैं, और सेलर जहां अपर रहते हैं तो वो हरदम प्रीमियम उसकी ख़त्म करते हैं। अब यहां पे आपको दिख रहा है 530 के स्ट्राइक पे बायर ज़्यादा है। यहां पे आपको देखिए 16 लाख का बायर है और 15 लाख का सेलर है। इस केस में आप देख रहे हैं 230 पे आज भी बायर ज़्यादा है, उनको आज भी 530 को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट है 530 पे, क्योंकि यहां से प्रीमियम मिलेगा उनको। तो 530 का अगर एक दो दिन के लिए करना है तो खरीद के आप निकल सकते हैं, क्योंकि 503 पे अच्छा खासा बाइंग है। लेकिन सिर्फ ये जो अंतर है ना, सिर्फ 50,000 का है, इसके लिए मुझे लगता है कि इसको थोड़ा वेट करके टाटा स्टील के, अगर अभी भी 5 तारीख हुआ नहीं, हम 5 तक वेट करें, और अगर ये 500 के लेवल के अराउंड जाता है और मेरे को 530 या 540 का कॉल, अगर 530 का 12 रुपये के आसपास और 540 का, अगर आप देखें ये डाट वापस चलें, अब देखिए यहाँ 540 का देखिए, 540 में तो ओवरसोल्ड है, 24 लाख से सेलर के तैयार हैं और 18 लाख से बाहर है। तो किसी भी तरीके से मैं इसको भी बाइक पोजीशन, अगर क्योंकि ये क्या होता है प्रीमियम आपको यंग एज में दिया तो दिया, नहीं दिया तो ये सूख जाता है, लोग बोलते हैं, मतलब कि प्रीमियम ओल्ड एज में दे नहीं पाता है ये। हाँ, अगर ये प्रीमियम मान लीजिए आप 540 का स्ट्राइक करो और 600 चला गया, प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा चला जाता है तो मिलता है, बट रिस्की ज़्यादा हो जाता है। ओल्ड एज में अगर वो ज़्यादा मेच्योर हो जाता है तो उसकी वैल्यू मिल जाती है आपको। 60 एज में भी ABCL खड़ा होता है और अमिताभ बच्चन वही प्रीमियम कमाता है जो यंग एज में कमाता है, तो अमिताभ बच्चन बनना थोड़ा तकलीफ का काम हो जाता है। सब लोग ABCL क्रिएट नहीं कर सकते, हमें 5 से 15 के बीच में देखना चाहिए। बड़े बड़े लोग तो बहुत बड़े बड़े हैं, अपने को उनसे ना कंपेयर कर सकते हैं ना उनके सामने भी है कहीं पे भी। तो टाटा स्टील में मुझे 500 के लेवल पे बहुत अच्छी बाइंग दिखती है, और यहाँ से आपको जब भी लीड में एक सुधार देगा, क्रूड नीचे जा रहा है और ये इलेक्शन का ये माहौल ख़त्म होगा, तो आपको यहाँ से 580, 650, 700 के लेवल पे वापस ही अपने लेवल को रीगेन कर सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि साल भर के अंदर आपको ये 650 का रेट जरूर से ज़रूर दिखा देगा। तो टाटा स्टील किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, स्टील की लार्ज कंपनी है, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह बताने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी अभी 26% है जो कि थोड़ा ज़्यादा कम हो गई है, अच्छा खासा डिलीवरी या 35-36% चल रहा था तो अभी 26% है, डिलीवरी भी कम आई है। और अगर मैं आपको सिंपल छोटा जल्दी से बता दूँ तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दूँ 32% से है, और इसमें अच्छे खासे फंड हाउस HDFC चाहे रिलायंस टैक्सेबल चाहे SBI रिलायंस हाइब्रिड पैटर्न बना के रखे हुए हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे मॉर्गेज बता दूँ, शेयर मॉर्गेज है कि नहीं है, तो यहाँ पे 3% इनकी होल्डिंग जो है मॉर्गेज की, टाटा सन्स लिमिटेड को मॉर्गेज की जो होल्डिंग है 3% का इन्होंने मॉर्गेज करके रखा हुआ है। और उसी तरह अगर मैं आपको इसका इसका फाइनेंशियल बता दूँ एक बार आपको, तो अगर एक बार फाइनेंशियल बता दें फाइनेंशियल बता दूँ तो सेल देखिए अच्छा खासा है, 15,000 दिसंबर 2017 में 15,000 करोड़ था, वहाँ 17,000 करोड़ हो गया, और 4,600 से 6,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये स्क्रिप्ट कहीं पे अब नेट प्रॉफिट देखिए 13,000 से बढ़ चुका है, इसका टोटल डेब्ट जो है 27,500 करोड़ का है। तो एक ये एक मैटर है, तो अब अगर ये मैटर है तो इसके हम चाहिए इसके बैलेंस शीट को फाइनेंशियल को चेक कर लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट क्या बोलता है। अगर ये 27,000 का ये करोड़ रखता है तो यहाँ रिजर्व कितना रखता है, तो 60,000 करोड़ का रिजर्व रखते हैं, एक अच्छी बात है। आप 27,000 का अगर डेब्ट रखते हैं तो 60,000 का आप ये रखते हैं। और कैश इक्विवेलेंट कितना रहता है इसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट देखें तो 5,000 करोड़ का भी इसके पास रिसेंट जो है 5,000 करोड़ का कैश है। कैश फ्लो देख लेते हैं एक बार इसका,
कैश फ्लो बहुत ही अच्छा मार्च 18 में, देखिए 900 900 900 100, तो 5,000 करोड़ का कैश कैश इक्विवेलेंट मेंटेन किया हुआ है। तो ये कहीं तरह से खराब नहीं दिखता है, किसी तरह से ये लॉन्ग टर्म का अच्छा बाजीगर है। लेकिन शॉर्ट टर्म के इस महीने के कॉल पे भी आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसा बताया कि एक बार ये डाउन ट्रेंड दिखा के अप ट्रेंड लेगा। तो अगर आपको 530 का कॉल, जैसा मैंने आपको बताया 12 रुपये के आसपास से मिलता है, और 540 का कॉल जो अभी 17 का है, या आपको ये भी उस समय अगर 5 रुपये डाउन होगा तो दोनों 5 से 7 रुपये डाउन होगा। तो ये भी आपको 12 रुपये के आसपास और ये 14 रुपये के आसपास मिलता है, 12 से 14, 530 का 14 में, 540 का 12 में मिलता है। तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 1061 का ये लॉट होता है, 1,000 रुपये है, तो आप 14 रुपये लगाएंगे, 14,000 रुपये लगेगा 530 के लिए। और 540 के लिए आपको 17 रुपये है, ये 12 रुपये मिल जाएगा आपको, तो 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, और 5 तारीख के बाद ही ट्राई कीजिएगा, अच्छा रहेगा। और फॉल कर लेने दीजिए थोड़ा, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप इसको पोजिशनल बाइंग कर लीजिए। अगर ये 560 जाएगा तो आपको कैश में भी मिल जाएगा, तो आप कैश में इसको पोजिशनल बाइंग करके रख लीजिए, छोटे छोटी क्वांटिटी को। आपको गेन से मतलब है, गेन होना चाहिए, जैसे जहाँ से भी गेन हो, लॉस नहीं होना चाहिए। ये दोनों से आप टाटा मोटर्स पे, टाटा स्टील पे एक बाइंग, जहाँ टाटा मोटर्स एक तरफ सेल मैंने आपको बताया हुआ है, कंटिन्यू बताया हुआ है, और वो हर लेवल को तोड़ रहा है। यस बैंक में बाय बताया हुआ है, निफ्टी बैंक का आपको पुट बताया हुआ है, टाटा स्टील का कॉल बता रहा हूँ। तो आप ऐसे ही और भी जाकर के आप वीडियो देखते रहें, चैनल पे जाएं, ढूंढते रहें, मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे, एक मिनट, हेलो दोस्त, आप देखेंगे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी का पुट दिया हुआ है, यस बैंक का कॉल दिया हुआ है, जीएम अल्फ्रा बाय है, जियो इको का, जियो इको के लिए दिया हुआ है, फ्यूचर रिटेल में बताया हुआ है। फ्यूचर रिटेल में अभी जस्ट अभी फ्यूचर रिटेल में इसने बाई किया है, 9.5% स्टेक एंड बाई करने वाला है वो। आप इसको जा करके देखिए, एक ब्रांडेड है फॉरेन की कंपनी है, वो बाई करना चाहती है, अमेजोन अमेजोन बाई करना चाहती है इसमें, अपने 9.5% स्टेक फ्यूचर रिटेल में यहाँ बाई हो सकता है। बैंक निफ्टी का पुट आप ये ले सकते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को देख करके, 13 तारीख तक के लिए, 13 तारीख के बाद इसमें पुट हटा दीजिएगा। फिर कॉल साइड में आप जा सकते हैं, यस बैंक के कॉल को रखिए आप, अच्छा रहेगा। और आज मैं आपको बताया टाटा स्टील के कॉल को, और टाटा मोटर्स में अगर पुट पे पोजीशन बना के बैठे हैं तो आपको लॉस तो होगा ही नहीं, आप गेन में ही होंगे, क्योंकि वो बहुत ऊपर से मैं आपको 270 280 से बता रहा था कि 150 आएगा, तो आप टाटा मोटर्स में गेन पे ही होंगे। टाटा मोटर्स पे भी दिया हुआ होगा, यहाँ पे आप टाटा मोटर्स पे जाएंगे तो टाटा मोटर्स में हर्ष में दिया हुआ है कि इसमें पुट की, टाटा मोटर वैल्यूएशन एंड सपोर्ट, यहाँ पे आप देखेंगे टाटा मोटर्स पे पुट का पोजीशन बनाया गया था। तो ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कोई भी पोजीशन अगर आपको मार्केट में बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही फाइनेंशियल मार्केट में पोजीशन बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।